सब्सक्राइब करें सिंपल वे हिंदी चैनल को और बेल बटन को दबाएं और जानिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के बारे में। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। इस तरह की ऐड है वो ये ऐड हम बनाना सीखेंगे कैसे बनता है, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक बैनर बना के देखेंगे कि कैसे गूगल वेब डिजाइनर में बैनर बनता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एप्लीकेशन में, नया एक पेज ले लेते हैं और नया पेज का नाम जो रखना आप रख लीजिए। 300-250 का बैनर है इसलिए 300-250 का हमने इसका नाम रख लिया और सेटिंग सब सेम रखेंगे जो सेटिंग पहले था। उसके बाद इसको ओके पर क्लिक करेंगे, इसका लोकेशन चेंज कर देते हैं, ये लोकेशन डाल दिया, उसके बाद ओके कर दिया। ये देखिए इस तरह से पेज अब खुल गया। अब इसमें हम काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जा करके ये जो लाइब्रेरी है लाइब्रेरी को खोल लेते हैं। ये देखिए लाइब्रेरी है, ये आपको लाइब्रेरी यहाँ दिख रहा होगा, ये लाइब्रेरी। इसी में सबसे नीचे जा करके यहाँ पे दिया हुआ है ऐड करने का, वहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। तो इस पर हमने ऐड पे क्लिक किया और जो फाइल है जो हमारा इमेजेस है वो हम इसको कॉपी कर लेंगे। इमेजेस को सीधे ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए ओपन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे और सारा इमेजेस हमारी जो है लाइब्रेरी में आ गई। अब लाइब्रेरी में इमेजेस आ गई, हमारा बनाना किस तरीके से है आप फोटोशॉप में भी देख सकते हैं। फोटोशॉप भी है हमारा डिज़ाइन और इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर डिफाइन देख लेंगे, कलर कौन सा है, ये हमारा कलर है इसको किए देख लिए। अब क्या करेंगे, सीधे जाएंगे प्रॉपर्टी में, ये हमारा प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में सारा काम इसी से होता है, प्रॉपर्टी से होता है। प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसके बाद एक कलर डाल देंगे जो फिल एरिया है, फिल एरिया है यहाँ पे, इस फिल एरिया में कलर डाल देंगे। तो यहाँ पे कलर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कोड था उस कोड को यहाँ पे डाल देंगे, एक कलर बैकग्राउंड में आ गया पूरा कलर। उसके बाद ये सारा कुछ कंपोनेंट जो भी है, अब हमारा सेकंड जो बनाना है, सेकंड हमारा जो ऊपर का टेक्स्ट है, ऊपर का टेक्स्ट लेने के लिए हमने लाइब्रेरी रख रखा है कंपोनेंट को। तो यहाँ पर जाएंगे, हमारा टेक्स्ट कौन सा है ये देख लेंगे, H1 टेक्स्ट नाम का दिया हुआ है, इसको हम कॉपी करके इसको यहाँ पे मूव करा लेंगे। ये आ गया फर्स्ट, जो जो एलिमेंट हम इसमें इंपोर्ट करा रहे हैं वो सारा यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है इमेज, एक इमेज अभी इंपोर्ट कराए हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है GWD1 इमेज। गूगल वेब डिजाइनर का शॉर्ट फॉर्म है GWD, गूगल वेब डिजाइनर। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे और आज हम लोग GWD ही अब बोलेंगे इसके आगे जब भी हम काम करेंगे। तो GWD का पहला इमेज आ गया और यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे और नाम हमने इसका हेडिंग 1 कर दिया, हेडिंग 1। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा एक शेप है, शेप एरिया मतलब एक ब्लैक एरिया है, देखिए यहाँ पे येलो एक एरिया है। तो उसको लिए हम यहाँ पर जाएंगे और एक एलिमेंट टूल लेंगे जिसे बोलते हैं, जो हमने पहले भी बताया था कि डीप डिफाइन करता है एक एरिया। तो यहाँ पे एक क्लिक कर करके और एक शेप बना लेंगे, एक शेप बना लिया। अब इसमें हमें कलर चेंज करना है, कलर डालना है येलो। तो वहाँ पे जाएंगे फोटोशॉप में, जो कलर है उसको लेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कलर को कॉपी करने के बाद फिर जाएंगे GWD में और फिर जाएंगे प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में गए और ठीक फील एरिया जो है जहाँ पे ये कलर है सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर, बिना सिलेक्ट के नहीं काम होगा। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिए उसके बाद जाएंगे कलर में, ये देखिए कलर, कलर में गए और यहाँ पेस्ट कर दिए, एक कलर आ गया। साइज डिफाइन करने के देख ली, साइज हमारा क्या है 300-250 है कि नहीं, यहाँ पर जाइए देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 300 का होना चाहिए, हमने 300-250 का साइज लिया है तो 300 यहाँ पे हो गया। उसके बाद
उसके बाद अलाइनमेंट देख लेंगे। यहाँ से आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, यहाँ से लाइन टू कंटेंट सेंटर सेंटर अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा टॉप में कर देंगे, थोड़ा सा टॉप में कर दिए। उसके बाद हमारा दूसरा इमेज आता है, तो हमारा सारा इमेज लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी में जाएंगे और ऑफर जोन को कॉपी करेंगे, ऑफर जोन को यहाँ पे टाइट रख लेंगे। ये देखिए हमने इसको, अब इसका अलाइनमेंट कर लेंगे। अब देखिए अलाइनमेंट और ये जो नीचे जो हमने शेप बनाया था उसका साइज, इसका साइज में डिफरेंट आ रहा है, तो नीचे वाले पे जाएंगे और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसका हाइट है, देखिए यहाँ पे हाइट दिखा रहा है, उसको हाइट को चेंज करेंगे। हाइट चेंज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रोस्पेक्टिव है, इस पे अगर क्लिक कर देते हैं तो हाइट और विड्थ एज पर अकॉर्डिंग लेगा। जितना विड्थ कम करेंगे उससे सिमिलरिटी आपको हाइट विड्थ लेगा। लेकिन अगर इस पे आप क्लिक करके इसको अनलॉक कर देते हैं तो आप जो भी डिफाइन करेंगे हाइट और विड्थ वो दोनों अलग अलग होगा। तो हम विड्थ रख देते हैं 300, ये हमारा 300 का विड्थ हो गया और हाइट हो गया 60। ये हमारा एक शेप एरिया बन गया। उसके आगे हमारा टेक्स्ट आता है। उसके बाद एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। टेक्स्ट को कॉपी कर करके इसमें टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए टेक्स्ट एरिया है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके एक रेक्टेंगल, एक सर्किल बना लेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कैमरा अननेसेसरी, और इसका देखिए फॉन्ट जो मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट लेने के लिए यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे। फॉन्ट में गए, फॉन्ट में मोर फॉन्ट जाएंगे, क्योंकि हमें फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट लेना है, तो मोर में जाएंगे और आप यहाँ से सारा फॉन्ट चूज कर सकते हैं, ओपन सेंस, रोबोटो, लाटो। तो हम एक रोबोटो ले लेते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, ए रोबोटो अपने आप यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया रोबोटो, ए रोबोटो आ गया। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको अलाइन टू लेफ्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आता है, फिर जाएंगे लाइब्रेरी में, क्योंकि सारा इमेज हमारा लाइब्रेरी में है, तो प्रोडक्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट वाला इमेज ले लेंगे। उसके बाद इसको भी सेट कर देंगे अलाइनमेंट, आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। ये देखिए अलाइन हो गया, लेफ्ट लाइन हो गया। उसके बाद हमारा एक सीटी आता है, कॉल टू एक्शन शॉप नाउ का जिसे बोलते हैं, इसको क्लिक करेंगे और इसको अलाइनमेंट टू राइट कर देंगे। अलाइनमेंट टू राइट हो गया, ये देखिए अलाइन हो गया, इसके इसके साथ अलाइन हो गया। उसके बाद एक और टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को ले लेंगे, इस टेक्स्ट को लिए और टेक्स्ट को लेकर के यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लेकर के इसमें पेस्ट कर देंगे। फिर ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई एंड एक्सचेंज ऑफर, इसका भी फॉन्ट जो है वही सेम रखेंगे जो पहले रखा था। उसके बाद इसको यहाँ पे ला करके चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर इसमें जाएंगे फॉन्ट एरिया में और यहाँ पे रोबोटो डाल देंगे। उसके बाद इसका कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे करें जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके जहाँ पे मूवमेंट करेंगे वहाँ पे एक कलर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और ये हो गया। इसके बाद मूवमेंट इसको करा के यहाँ पे इस पोजीशन पे ला के रख देंगे जहाँ पे है। इसके बाद इसका साइज जो है छोटा करेंगे। चलिए हम यहाँ पर देख लिए, अब हम इसको टेक्स्ट जो है साइज छोटा कर लेंगे। टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद देखिए ऊपर में बना हुआ है
स्टाइल बना हुआ है, साइज बना हुआ है, फॉन्ट बना हुआ है, तो हम साइज पे जाएंगे और साइज पे इसका साइज जो है छोटा कर लेंगे। सिलेक्ट किए और इसका साइज छोटा कर लिए। अब बिना सिलेक्ट किए हुए ऐसे ही सिलेक्ट किए टेक्स्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट पे ऐसे ही सिलेक्ट किए और यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं साइज को सिलेक्ट करके। उसके बाद ये हमारा सारा कुछ हो गया। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इन सारे सिलेक्शन के बीच में आप इस पर क्लिक करेंगे लेयर पे, तो सारा कुछ हट जाएगा। देखिए ये हो गया, ये सारा कुछ हट गया, चेंज हो गया। मैं आपको इसको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये हमारा इमेज है और इस इमेज में थोड़ा मुझे इसको अलाइनमेंट चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेफ्ट कर लेंगे। ये हमारा सारा कुछ हो गया। अभी हम प्रीव्यू देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाएगा, नॉर्मल इस तरीके से दिखाएगा। लेकिन अब हमें इसमें एनिमेशन करना है, तो इसके लिए हम फिर जाएंगे इसी में। अब हमारा यहाँ से काम शुरू होता है। देख लीजिए यहाँ पे हेडिंग है, सबसे फर्स्ट में है, उसके बाद एक डिव है, उसके बाद एरिया है। तो हेडिंग में जाएंगे, ये हमारा हेडिंग है और हेडिंग में जो पहला जो टेक्स्ट है उस पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद एक और इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट हो गया। इसको थोड़ा सा मूवमेंट करा लेंगे, देखिए इस तरीके से की फ्रेम बन जाता है। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लेफ्ट करेंगे, इसको इसको लेफ्ट कर दिए। उसके बाद इस पॉइंट को ला करके इस पॉइंट में डाल देंगे, देखिए ये दिख रहा है लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है। फिर उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे की फ्रेम को। अब हमारा यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। इन जो दोनों के बीच में देखिए कि लाइनर बना हुआ है, यहाँ पे लाइनर में एजिंग देंगे, एजिंग लाइनर एज देंगे, ठीक है एज देंगे हम। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एज आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है। देन उसके बाद हमारा येलो एक लाइन है जो आ रहा है, येलो शेप आ रहा है। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम, उसके बाद यहाँ भी इंसर्ट की फ्रेम करेंगे और फर्स्ट वाले पे जाके, फर्स्ट वाला जो है वहाँ पे जाके रिमूव कर देंगे, रिमूव की फ्रेम, यहाँ पे रिमूव की फ्रेम कर दिए तो हमारा फर्स्ट आया। उसके बाद इस वाले पे जाकर पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम इसका लेफ्ट अलाइन कर देंगे, ये देखिए लेफ्ट लाइन हो गया। उसके बाद इस पॉइंट पे जाके, लास्ट पॉइंट पे जाके इसको हम सेंटर टू अलाइन कर देंगे। तो क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे चला आएगा। अब यहाँ लीनियर जो दिया हुआ है इस पर एजिंग देंगे, एज देंगे और अप्लाई कर देंगे, ये आ गया और ये आ गया। उसके बाद हमारा क्या है, इमेज है जो ऑफर का इमेज आ रहा है। उसके बाद ऑफर का इमेज को भी यहाँ से आप इंसर्ट की फ्रेम करेंगे और इस पॉइंट पे करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। फिर लीनियर जो है इसको राइट क्लिक करके एजिंग में जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और एजिंग में जाएंगे, इस पॉइंट को हम राइट से करेंगे, इस पॉइंट को राइट से किए। जब यहाँ पे आएगा, अब देखिए वो टेक्स्ट है लैपटॉप कैमरा है नेसेसरीज, उस वाले पे हम क्लिक करेंगे, उस वाले को फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाले पे जाएंगे,
इसका मूवमेंट चेंज करेंगे, लेफ्ट हमने कर दिया। उसके बाद इस पे आएंगे और इसका मूवमेंट ये जो हमारा सेंटर हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद जैसे जाएंगे ये देखिए आ गया इस तरह से। फिर इनका जो लीनियर है वो चेंज करना होगा हमें, एजिंग एज में जाएंगे, ये देखिए एज है, बताया था आपको, एज में जाएंगे और एज करके अप्लाई कर लेंगे। उस तरह से इसमें भी जाएंगे, एज में जाएंगे और यहाँ से एज अप्लाई कर देंगे। ये हमारा बन गया, यहाँ तक बन गया। उसके बाद नीचे जो है ये दो हैं, एक प्रोडक्ट है, टेक्स्ट है और CTA है, शॉप नाउ है। तो उसके बाद हम इस पे जाएंगे की फ्रेम प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे दो की फ्रेम लिए, फास्ट वाले में जाएंगे और फास्ट वाले में जा कर के इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद इसमें जा कर के राइट क्लिक करके लीनियर में जाएंगे, पहले सबसे पहले इसको प्रोडक्ट को अलाइनमेंट देंगे। तो प्रॉपर्टी में देखिए, प्रॉपर्टी में जा कर के हमने इसको इसको क्या किया, ये जो फील एरिया है इस फील एरिया से ही अल्फ़ा डाउन होता है। तो फील एरिया में जाएंगे और फील एरिया में जाके जीरो क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे जाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे वन, यहाँ पे वन क्लिक करेंगे तो आ जाएगा प्रोडक्ट। देखिए यहाँ प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे प्रोडक्ट हाइड है, तो प्रोडक्ट इस तरह से आ गया। उसके बाद हमारा अक्षर आता है, क्लिक करेंगे। उसके बाद दो क्लिक किए, फर्स्ट वाले को रिमूव करेंगे और इस वाले लीनियर में जा कर के एज कर देंगे, अप्लाई करेंगे। और ये जो हमारा है इसको देख लेंगे, ये हमारा CTA है, इसके ऊपर है टेक्स्ट, इसके ऊपर वाले पे जाएंगे और उसको नीचे मूवमेंट करा लिए, यहाँ से क्लिक करके नीचे मूवमेंट करा लिए, ये हो गया नीचे। उसके बाद हमारा ये आता है टेक्स्ट, इंसर्ट किए टेक्स्ट, ये देखिए यहाँ से इसको रिमूव करेंगे और इसको फर्स्ट वाले में आ जाएंगे। फिर यहाँ जा कर के प्रॉपर्टी में इसका जो फील एरिया है उसको हम जीरो कर देंगे। तो इसके बाद इस लास्ट पॉइंट पे जाएंगे और फील एरिया को वन कर देंगे, ये हमारा आ गया। उसके बाद लास्ट है CTA कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ है, शॉप नाउ पे जाएंगे और शॉप नाउ को इसमें फील एरिया को जीरो कर देंगे, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को वन करेंगे, ये हमारा एक्शन बन गया। अब देखिए फर्स्ट ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया। अब हम इसका प्रीव्यू देखना चाह देखने के लिए जाएंगे सबसे टॉप में, ये प्रीव्यू का पेज है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए बन गया, सारा कुछ बन गया, ये यहाँ पे बन गया। अब देखिए शॉप नाउ पर जैसे क्लिक करें तो ये शॉप नाउ का क्लिकेबल जो बटन होता है उस तरह से क्लिकेबल टैग नहीं बन रहा है। तो इसके लिए फिर हम जाएंगे इसमें और जो शॉप नाउ है उसमें कंपोनेंट लगाया जाता है। तो पहले प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था, ओवर भी बताया था गैलरी के बारे में, कैजुअल के बारे में कॉम्पोनेंट, तो कॉम्पोनेंट में ही होता है जिसको बोलते हैं टैप एरिया। इस टैप एरिया को क्लिक करेंगे और इस वाले पे मूव करा देंगे, इस एरिया को हाँ मूव करा देंगे और इसका फिर अलाइनमेंट डिफाइन कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ से, इस पर क्लिक किए और इसके बाद इसको स्मॉल कर लेंगे, इसको मूव करा के इसके ऊपर रख देंगे शॉप नाउ के ऊपर। उसके बाद फिर जाएंगे प्रीव्यू में और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका बन गया बटन। तो ये बटन बन गया और ये एक एनिमेशन बन गया HTML5 में। अब देखिए यहाँ HTML5 में बना हुआ है,
ये देखिए इंडेक्स दिखा रहा है, index.html। तो आप इस तरीके से बैनर बना सकते हैं, HTML5 बैनर बन जाएगा। दूसरा चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा, रीप्ले बटन आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रीप्ले बटन हम ऐड करते हैं गूगल वेब डिजाइनर में। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।